नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का केजीएस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पर करंट अफेयर की जो क्लास है वो 6 बजे केजीएस आईएएस हिंदी के चैनल पर जा रही है, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को शामिल करते हैं और जो भी उसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं जो कि आने वाली अपकमिंग यूपीएससी सीएससी के परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है, जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम कौन सा अखबार पढ़ें, अगर हमारे पास द हिंदू आ रहा है तो उसमें से कैसे देखें कि ये आर्टिकल हमारी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है या फिर जो हम तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के साथ ये आर्टिकल हमारे सिलेबस में मैच खाता है, चाहे जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या कोई आर्टिकल किसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, कोई आर्टिकल प्रिलिम्स के हिसाब से कैसे महत्वपूर्ण है, कोई आर्टिकल मेंस के हिसाब से कैसे महत्वपूर्ण है। तो आज जितने भी आपके डाउट हैं जो कि लाइव क्लास में आप हमेशा पूछते हो कि सर अखबार को कैसे पढ़ें, आज वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा। लाइक हमने यहां पर द हिंदू को लिया है और जो कि है 13 मार्च का, ठीक है। तो 13 मार्च 2024 का द हिंदू हमने यहां पर लिया है और बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए और कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर की क्लास है वो 6 बजे जाती है, तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो 6 बजे डेली शाम को लाइव आ सकते हैं केजीएस आईएएस के हिंदी के चैनल पर, जहां मैं करंट अफेयर डेली लेता हूं, ठीक है। एंड देन अब डाउट क्लियर करते हैं आपका बारी बारी कि कौन कौन से आर्टिकल्स को हमें पढ़ना है। लाइक मैंने ये एक दिन पुराना या कोई भी अखबार मैंने क्यों उठाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका डिस्कशन दे चुका हूं आपके केजीएस आईएएस हिंदी के चैनल पर, तो आप उस डिस्कशन को जाकर भी देख सकते हैं। लाइक अगर हम कोई भी अखबार उठाते हैं तो सबसे पहले अगर उसके पहले पेज पे आए तो बेसिकली क्या है कि बीजेपी और जेजेपी अलायंस जो हुआ है, एंड देन अगेन आपको पता है कि हरियाणा जो है, हरियाणा में सीएम जो है बदल गए हैं अगेन और वहां पर गठबंधन की सरकार है। तो ये इसका हमसे हमारे जो सिलेबस है या हमारे किसी भी काम का ये जो आर्टिकल है वो नहीं है, तो मतलब इस टाइप का आर्टिकल, ये पॉलिटिकल आर्टिकल टाइप है जो जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर स्टेट की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल की हमारे लिए हमारे यूपीएससी के हिसाब से इतनी रिलेवेंसी नहीं है। लेकिन इसके ही जस्ट साइड में अगर एक आर्टिकल आप देखोगे, दैट इज इन्फ्लेशन स्टिल एट 5.1 बट फूड प्राइस राइज, ठीक है। सो ये जो आर्टिकल अगर आप देखोगे तो इस आर्टिकल की इंपोर्टेंस है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ठीक है। आप इसको GS3 से जोड़ सकते हो और जिस हिसाब से आर्टिकल में बात हुई है तो आर्टिकल का जो कंटेक्स्ट है वो ये कहता है कि ओवरऑल आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल है, मतलब 2-6% का जो क्राइटेरिया डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके अंतर्गत है ये 2-6 के अंतर्गत, और उसमें 0.1 का डिफरेंस आया है। फिर उसके बाद उसमें CPI की बात की है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की इन्होंने बात की है, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीजें क्या हो सकती है, CPI से हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलावा हम WPI की यहां पर बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को आप इकोनॉमी वाले सेक्शन से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एंड देन यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये देखिए CPI, WPI ये सब क्या है कि मंथली बेसिस पर आपको अखबार में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यूपीएससी ने जैसे 2023 में उससे पहले इन्फ्लेशन पर, CPI पर, WPI के कंपैरिजन पर बहुत सारे सवाल पूछे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं करंट अफेयर की क्लास लूं तो इस टाइप के आर्टिकल को इतने ब्रॉड तरीके से समझाऊं कि जो भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा है वो भी आपका पॉइंट वहां पर क्लियर हो जाए। लाइक हम इन्फ्लेशन होती क्या है, कितने टाइप की होती है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन की कोई की टर्म्स है क्या। लाइक मैंने कल अपने जो बेसिकली जब मैंने लास्ट टाइम जब 13 मार्च का जो भी सेशन लिया था लाइव, उस सेशन में मैंने आपको बताया था की टर्म्स क्या है, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लोबिंग इन्फ्लेशन, सारी की सारी चीजें मैंने बताई थी वहां पर। WPI CPI में क्या डिफरेंस होता है, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यूपीएससी की ओर से और कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम वहां पर देते हैं। तो इस टाइप का एक आर्टिकल आपको पढ़ने के मतलब पढ़ना चाहिए ये वाला आर्टिकल, ये आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देन काफी न्यूज में चल रहा है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो काफी न्यूज में चल रहा है, लगातार न्यूज में रहेगा, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्या करा है, फाइनली नोटिफाई कर दिया CA की जो गाइडलाइंस थी, तो ये अब डेली बेसिस पर लगातार न्यूज में रहेगा। तो कहीं ना कहीं
ये जो आर्टिकल है आपको पढ़ना चाहिए सीएए के बारे में। उसमें क्या करना चाहिए, देखिए आप एनपीआर, एनआरसी है ना, असम अकॉर्ड, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। सीए आपको पढ़ना चाहिए, सीए 1955 में ऐसा क्या था, फिर 2016 में जो चीजें हुई हैं, इलीगल माइग्रेंट्स की जो परिभाषा 2019 में चेंज हुई है अवैध प्रवासियों की, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या सीए के प्रावधान हैं, कौन से इसमें से अपवाद है, ठीक है, कि इन 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 आधारों पर क्या क्राइटेरिया कम हुआ है, क्या इसमें समस्याएं हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ कहा नहीं है, तो अभी देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर कहेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या है कि इस आर्टिकल को पढ़ के अब सीए वाला या नागरिकता वाला जो चैप्टर है अपना, पॉलिटी का जो चैप्टर आप पढ़ते हैं फाउंडेशन में नागरिकता वाला, उसको आप कर सकते हैं, भविष्य में मे बी यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले मेंस में, ठीक है। तो प्रीलिम्स में भी नागरिकता के ऊपर आराम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए और आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो एसबीआई का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो न्यूज में है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए डेटा मांगा है एसबीआई से, ये काफी न्यूज में चल रहा है। तो आई होप इतने दिन से लगातार, इसको 15 से 20 दिन हो गए न्यूज में आते आते, तो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सारी की सारी चीजें पढ़ ली होंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल एक बार देखने लायक था। उसके बाद अगेन सीए विल नॉट इंप्लीमेंटेड इन तमिलनाडु, तो उसी आर्टिकल से मेन आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आर्टिकल जैसे हमारे कोई काम का नहीं है, स्पेशुकुलेशन ग्रो इमिनेंट स्प्लिट इन जीजेपी एंड 5 MLA स्किप मीटिंग, है ना, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या कि पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो जो हमारे इतने काम के नहीं है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए अगेन डिस्प्यूट ओवर लाइक एनडीए सीट शेयरिंग टॉक इन बिहार, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो धीरे धीरे जब अखबार आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब आप करंट अफेयर की क्लास लेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हमें छोड़ने और कौन कौन से आर्टिकल्स हमें को पकड़ना है जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन वो एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास आपने ली और पहली बार आपने अखबार मंगाया और आपने बिल्कुल सटीक तरीके से पहचान लिया आर्टिकल्स को। अगर आप नया तैयारी अभी नई तैयारी आपने शुरू कर रही है या प्रिपरेशन अभी ही स्टार्ट करी है, ठीक है, जिनको एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट जो लोग दे चुके हैं वो आसानी से पहचान लेंगे आर्टिकल्स को, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाएं तो बहुत सारी चीजें फिर देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। लाइक इस टाइप के कोई आर्टिकल हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन फिर पॉलिटिक्स न्यूज में है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर पॉलिटिक्स न्यूज में है, ठीक। अब इस आर्टिकल को एक बार पढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत में इसका एक एग्जांपल एज अ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गौरव गोगोई वैभव गहलोत एंड नकुल नाथ कांग्रेस सेकंड लिस्ट, ये आर्टिकल हमारे कोई काम के नहीं है, अगेन राजनीति से संबंधित आर्टिकल है। फिर राजनीति से संबंधित आर्टिकल है, फिर देखिए सीए के ऊपर फिर अगेन आपको आर्टिकल मिल गया देखने को। तो सीए की जो जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं वो एक साथ आप इकट्ठी कर लीजिए, और इसमें इकट्ठा क्या करना है कि जब भी कोई आर्टिकल आप पढ़ते हो तो सबसे पहले, या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले वो होता ही क्या है, लाइक नागरिकता है, तो नागरिकता वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे या सीए का मुद्दा पढ़ोगे तो सारे के सारे जितने भी एंगल्स हैं कि सीए है क्या, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या उसमें आगे की राह होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजों को हम इंक्लूड करें और अपने जो इनहेंस करें मेंस के नोट्स को, ताकि जब आप क्वेश्चन लिखें तो काफी अच्छे से आप उसको लिख पाए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देन हमें यहां पर कोई भी आर्टिकल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए यहां पर एक तेजस एयरक्राफ्ट कैश हुआ है इन जैसलमेर, फर्स्ट सिंस फ्लाइट 2001, ठीक है। सो ओवरऑल हमें क्या है कि एक बार हमें यहां से जैसे प्रीलिम्स का मे बी क्वेश्चन बन सकता है, तो तेजस के बारे में, तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में छोटी छोटी चीजें हमें देख लेनी है कि क्या हमने इंडिजिनियसली इसको बिल्ड करा है या कहीं से इसको मंगाया है, ये क्या सारी सारी जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो सिप्री की एक रिपोर्ट है 2019 से 2023 के बीच,
इंडिया वॉज द टॉप आर्म इम्पोर्टर इन 2019 एंड 2022-23। तो इस आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ना है। तो सिप्री की जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या कर कौन सा कंट्री करता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमने क्या किया है, कौन से कंट्रीज से किया है, रशिया का क्या रोल है, यूएसए का क्या रोल है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल लिखेंगे या फिर हम किन्हीं दो देशों का संबंध की बात लिखेंगे, तो सबसे पहले पहला पॉइंट तो आप सिप्री रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं संबंधों में, कि यूएसए मान लीजिए रशिया जो है आज भी हमारा सबसे ज्यादा हमें एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा हथियार हम रशिया से मंगाते हैं, तो एक इंडिपेंडेंसी है या रक्षा संबंध हमारे ऐसे हैं, तो एक पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है कि लाइक हमने कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा है, कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करा है। लाइक मैंने एक अगर 13 मार्च का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहां पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि पिछले 5 वर्षों में चावल का सबसे ज्यादा निर्यातक देश कौन रहा है। तो पिछले 2019 से 23 तक के बीच में इस टाइप की रिपोर्ट से भी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर फ्रांस एक नया एक देश इमर्ज हुआ है जो इंडिया को बहुत सारे हथियार बेच रहा है। ठीक है, इंडिया टॉप इंपोर्टर है अभी भी। ठीक है, चाइना पाकिस्तान के बारे में भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो हथियार है वो सप्लाई होते हैं चीन से। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो अपकमिंग प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकती है। एंड अगेन, इस रिपोर्ट का हवाला हम दे सकते हैं मेंस के किसी क्वेश्चन में, जहां पर हम आईआर का क्वेश्चन अगर हम लिख रहे होंगे तो वहां पर हम उसको मेंशन कर सकते हैं रक्षा संबंधों में। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं अगले कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं, फिर उसके बाद कोई आर्टिकल हमारे इतने काम का नहीं, फिर आगे बढ़े। देन यहां पर एडिटोरियल पेज आता है। देखिए, बीजेपी कांग्रेस हैव टेकन कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच टू बिल्डिंग अलायंस। सो अगेन, कोई हमारे काम का नहीं है। इंट्रा ग्रुप कास्ट वेरियंस इक्वेलिटी एंड कोर्ट गेज। सो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन न्यू सेंस ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज डोमिनेटिंग। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ के अपना जो अर्बनाइजेशन का टॉपिक है उसको रेडी कर सकते हैं। पढ़ने के दो माध्यम होते हैं, एक तो वो व्यक्ति होता है कि जो बेसिकली अपनी क्लासेस अभी फाउंडेशन की कर रहा है और करंट अफेयर की क्लास ले रहा है और वो अपना काम कर रहा है डेली बेसिस पे, उसको शहरीकरण वहां भी हो जाएगा एंड अगर इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत उसमें एडिशन हो जाएगा। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो एक तैयारी के एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो वो क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे जो अखबार होता है उस अखबार में जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के बिहाफ पर अपने फाउंडेशन को भी तैयार कर लेते हैं और उसमें एडिशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आप कौन से वाले हैं। ठीक है, यस, सो अर्बनाइजेशन का ये जो टॉपिक है आप इसको पढ़ोगे तो अर्बनाइजेशन में देखिए शहरीकरण होता क्या है, छोटी छोटी बातें, पूरा मुद्दा आपको मतलब जब भी आप एक आर्टिकल लिखे तो 360 उसका व्यूज देखें कि भाई इस ये शहरीकरण होता क्या है, किन किन वजहों से होता है, अगर ये कोई कारण है तो शहरीकरण का क्या इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कोई हमारे पास डेटा है क्या, शहरीकरण में इश्यूज भी होंगे, कुछ इश्यूज हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए सॉल्यूशन भी निकाले होंगे, सॉल्यूशन है तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव भी होंगे, इनिशिएटिव है तो कोई एक मॉडल भी होगा शहरीकरण का जो कि बेस्ट मॉडल है, जैसे स्वच्छता के लिए इंदौर को जाना जाता है, तो ऐसा कोई मॉडल जो कि हम केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, तो मेंस का जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं बन सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। यस, देन इसके बाद हम पहुंचते हैं साइंस एंड टेक वाले पेज पे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे, जहां पर न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड का एक आर्टिकल है, क्योंकि अभी जो है इंडिजिनसली डेवलप मोदी जी ने अभी एक फास्टर ब्रीडर रिएक्टर को बेसिकली क्या किया था, उद्घाटन किया था, उसके बाद जो न्यूक्लियर एनर्जी है या फिर न्यूक्लियर वेस्ट है ना, ये सारी की सारी चीजें ज्यादा न्यूज में आ गई, तो ये आर्टिकल अगेन महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि न्यूक्लियर वेस्ट होता क्या है, हाउ टू हैंडल न्यूक्लियर वेस्ट, हाउ टू क्लियर वेस्ट, ठीक है, हाउ डज इंडिया हैंडल न्यूक्लियर वेस्ट, तो ये सारा आर्टिकल आप पढ़ोगे तो इसमें पॉइंट वाइज इसको समझाया हुआ है। तो अगेन साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं GS3 से। तो सबसे पहले हमारे सामने ना सिलेबस की एक क्लियरिटी होनी चाहिए, और इस टाइप का जो आर्टिकल है वो एक स्पेसिफिक वीडियो में अगर समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, लाइक अभी जैसे बहुत टाइप के रिएक्टर्स होते हैं उसमें फ्यूल क्या होता है, देखो यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा,
फिर कोई बॉडी है क्या इंटरनेशनल लेवल पर जो हमें यूरेनियम ये सब सप्लाई कर रही है या फिर उसका निगरानी कर रही है, ठीक है? फिर क्या इंडिया कहाँ कहाँ पर पहुंचा है, ठीक है? इंडिया का कितना परसेंट हम न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी हम ले रहे हैं, इंडिया इंडिया कितना ग्रो कर रहा है या फिर कितना उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, फिर ये न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह क्या होता है। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर से संबंधित एनर्जी से संबंधित जो आर्टिकल का उसको हम पूरे तरीके से डेवलप करके एक नोट्स बना सकते हैं इस पे, ठीक है? एंड छोटे छोटे डिफरेंस की अलग अलग टाइप के कौन कौन से रिएक्टर हैं, ठीक है? अब जैसे केरला फ्लड है, अर्बनाइजेशन से संबंधित है, तो अगर इस इन सबको आप पढ़ोगे तो साइक्लोन जैसे इसमें मेंशन है, तो मान लीजिए अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इस जैसे केरला फ्लड है इसका यूज कर लीजिए अर्बनाइजेशन में एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है? लाइक बेंगलुरु में क्या है कि पानी की वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगेन अर्बनाइजेशन में जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं या अर्बनाइजेशन का आर्टिकल जो आप बेसिकली नोट जो नोट्स बना रहे हैं उसमें वो बेंगलुरु वाला केस स्टडी भी डाल लीजिए, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं आसानी से। फिर उसके बाद हम जैसे आईआर वाले पेज पे आते हैं तो अगेन वही इसराइल हमास, और ये बहुत टाइम से ज्यादा न्यूज में है, ठीक है? तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो फिर वही इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें चल रही हैं, जब तक कुछ महत्वपूर्ण आ ना जाए जहां इंडिया का रोल हो तो जब तक हम इसको थोड़ा स्किप करेंगे, या कुछ ऐसी लेवल की न्यूज जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमास और इनका युद्ध शुरू हुआ था तब हमें पता होना चाहिए था कि क्या क्या वजह है, बहुत टाइम से इश्यूज चल रहे हैं, तो ये इश्यूज ऐसे हैं जो कि फाउंडेशन में आप पढ़ लोगे और वन टाइम एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर बाद में एडिशन ही करते रहने होंगे आपको, ठीक है? लाइक अब ये वाला जो आर्टिकल अगर आप देखोगे तो जनवरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो 3.8, तो कंटेक्स्ट यही था कि 4.2 से 3.8 हो गया है, तो अगेन आईआईपी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है, हर मंथ रिलीज होता है। सो आईआईपी से हम क्या कर सकते हैं, अगेन देखिए ये आर्टिकल अगेन आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, हम इकोनॉमी वाले सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ आईआईपी को पढ़ सकते हैं। आईआईपी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईआईपी में एक चीज और है, दैट इज एट कोर इंडस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं अगेन, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, किस पार्ट से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और जहां इसकी बात की है लाइक इंडस्ट्रियल इंडिया इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, और यह इसमें आईआईपी की भी बात की है इन्होंने, ठीक है? एट कोर इंडस्ट्री को हम यहां पर शामिल कर सकते हैं, तो हमारा प्रिलिम्स का एक टॉपिक एटलीस्ट रेडी हो जाएगा, जो कि हमें भविष्य में जब हम प्रिलिम्स देंगे तो, क्योंकि एंड में ऐसा तो है नहीं कि सारे अखबार उठा के या जो भी आपने चीजें करी हैं तो वो आप उठा के दोबारा वो करोगे रिवाइज करोगे, तो देन जो भी कंसाइज नोट्स या आपने बिल्कुल छोटे फॉर्म में जो नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये हम कर सकते हैं एंड में, ठीक है? तो आईआईपी और आपका एट कोर इंडस्ट्री हो गया। अब एट कोर इंडस्ट्री में आठ इंडस्ट्री कौन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज किसका है, सबसे कम वेटेज किसका है, उसका एक ऑर्डर याद कर लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन आईआईपी जो है कौन रिलीज करता है, क्या क्या बेस ईयर है, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। दो अप्रोच है, यूजुअल बेस होता है, सेक्टरल बेस होता है, उन दोनों में से कौन कौन से गुड्स इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं, इसमें किसका हाईएस्ट वेटेज है दूसरे सेक्टर में, सेक्टोरल में यूजर बेस, एक तो यूज बेस्ड है एक सेक्टोरल बेस्ड है, तो इनमें दोनों में किसका हाईएस्ट वेटेज है लोएस्ट वेटेज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे अगले। देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, आप जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको हम यहां पर शामिल कर लेंगे, ठीक है? चाइना एमिशन एफिशिएंसी टारगेट अंडर थ्रेट आफ्टर फॉलिंग शॉर्ट टू 2023, तो ऐसे नॉर्मल ऐसे आर्टिकल्स तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, तो इट मींस कि क्या इसका कोई सेंस निकला या नहीं निकला। फिर एक आर्टिकल आप यहां पर देखोगे अगेन कि ओपेक्स और आईईए से रिलेटेड है, मोस्ट डिवाइडेड ऑन ऑयल डिमांड इन 2008, सो ऑयल डिमांड से रिलेटेड कंटेक्स्ट कह रहा है कि आईईए जो है उसने अलग अनुमान लगाया, ओपेक ने अलग अनुमान लगाया था। सो बेसिकली कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एक्सपोर्ट किया, क्या हमारा कितना पर डे का बैरल कितना हम ऑयल निकाल रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि जब हम प्रिलिम्स देंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में से ओपेक और आईईए ये दोनों महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा
ओपेक अगर हम तैयार कर रहे हैं तो क्यों नहीं ओपेक प्लस को भी हम तैयार कर लें। तो इसमें कितने मेंबर हैं, कब गठन हुआ, किस टाइप की ये बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं जो अभी सदस्यता छोड़ रहे हैं, ठीक है, किसने सदस्य छोड़ी है, फिर उसकी सदस्यता ली है, ये छोटी छोटी चीजें, इसका उद्देश्य क्या है, प्राइस कंट्रोल करना, फिर ओपेक क्यों बना ये आपको पता होना चाहिए, आईईए के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगेन मैं ये कह रहा हूं कि अगेन आईआर का जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आता है यूनाइटेड नेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ओपेक का क्वेश्चन फिर ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। तो ओपेक और आईईए और ओपेक प्लस को आप रेडी कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम अगेन ऑर्गेनाइजेशन जो हम नोट्स बना रहे हैं तो वहां उस नोट्स में अपना एड ऑन कर सकते हैं। ये वो चीजें जो बार बार रिपीट होंगी। अब जब ये रिपीट होंगी तो आप ऑलरेडी क्या करेंगे, जब ये रिपीट होंगी अपने नोट्स उठाइए रिवाइज कीजिए। तो अगेन बार बार आप रिवाइज करेंगे तो अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा, अगर यूपीएससी फ्रेम करती है अपकमिंग बेसिकली जब भी प्रीलिम्स लेगी, तो अगेन आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे और स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पेज आ गया, बाकी इसमें कुछ आगे इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको अखबार को देखना है, पढ़ना है कि हम कैसे अखबार को एक सही तरीके से पढ़े। तो अगर पूरा अखबार आप उठा के देखोगे तो डेली बेसिस पर आपको 4 से 5 चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो डेली बेसिस पर पढ़नी है, वो आपके लिए इनफ है। तो बस इसमें क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी रखनी है, और किस तरीके से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं वो आप मेरी क्लास जो आती है डेली 6 बजे लाइव आती है KGS IAS हिंदी IAS के चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हो, डिटेल एनालिसिस होता है जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूज में होते हैं उस दिन के, जैसे लाइक 15 तारीख या 20 तारीख का कोई न्यूज पेपर है तो उसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप अब आपके जो ये डाउट है, जो भी मेरी लाइव क्लास में डाउट मुझसे पूछते थे बच्चे कि अखबार को कैसे पढ़ना है, कैसे समझें कि ये आर्टिकल हमारे यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये आर्टिकल छोड़ना है, ये आर्टिकल हमें पढ़ना है, तो आई होप आपके ये जो डाउट्स हैं वो अब सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगेन 6 बजे लाइव KGS हिंदी IAS के चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में। थैंक यू सो मच।